प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव वडनगर जाएंगे नरेंद्र मोदी। दिवाली से पहले वडनगर में दिवाली जैसा माहौल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में बीजेपी की जन रक्षा यात्रा में होंगे शामिल। केरल में बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में यात्रा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर 85वें स्थापना दिवस पर आज वायुसेना करेगी शक्ति प्रदर्शन। इस मौके पर सुखोई जैगवार तेजस मिराज मिग लड़ाकू विमान भरेंगे उड़ान। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के मीर बाजार इलाके में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला। हमले में एक अफसर समेत दो जवान जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तरी कोरिया पर ट्रंप का बड़ा बयान। कोरिया के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने के लिए बातचीत करना समय की बर्बादी रही। सिर्फ एक ही चीज का असर होता है। 25 सालों से अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रशासन बातचीत में लगे रहे और वो हमें मूर्ख बनाते रहे। भारत ने जीता पहला T20 मैच। ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। बारिश की वजह से भारत को 6 ओवर में 48 रन का लक्ष्य मिला था। कुलदीप यादव रहे मैन ऑफ द मैच। इलाहाबाद में गंगा नदी में नाव डूबने से बड़ा हादसा। नाव पर सवार 20 में से 16 लोग बचाए गए। 4 की तलाश जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला टीचर का टॉर्चर। 5वीं के छात्र को बेरहमी से जड़ा थप्पड़। छात्र की आंख की रोशनी गई। परिवार की शिकायत करने पर स्कूल प्रशासन ने किया अभद्र व्यवहार। हैदराबाद शहर में बाढ़ जैसे हालात। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर सैलाब। घरों के अंदर घुसा पानी। शादी समारोह में भी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। देश में आज करवा चौथ की रौनक। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं का आज करवा चौथ का व्रत। दिल्ली में रात करीब 8:10 चांद दिखने की उम्मीद। बाजारों में भी जुटी भीड़। ये है ABP News। आपको रखे आगे।